आज बात करेंगे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाली तीन सबसे बड़े फॉल्स, तीन सबसे बड़ी गलतियां जो कि कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक को विस्तार में। दोस्तों पहली जो दोस्तों सबसे बड़ी गलती कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है वो है पावर लैग देना। ठीक, कि आपकी टीम को दोस्तों कोई पावर देता है कि आप मेरी टीम में आ जाइए, मैं आपको इतनी पावर देता हूं दोस्तों, तो आप दोस्तों उस कंपनी में कभी ना जाएं जिस कंपनी में पावर लैग मिलती है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आज आपको पावर मिले और आप एकदम से बड़े लेवल पे हो जाएं, आने वाले समय में आपकी टीम को भी अगर कोई पावर देगा ना दोस्तों तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी टीम दोस्तों आपको छोड़कर चली जाएगी दोस्तों। और यदि आपको पावर मिलता है दोस्तों और अगर आपकी टीम को पता चलता है कि आपको दोस्तों पावर मिली है तो वो भी आपको दोस्तों आने वाले समय में छोड़कर चली जाएगी। ठीक, तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जिसमें पावर लैग मिलती है, ठीक है, तो उस कंपनी को आप दोस्तों तुरंत छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों जो आपकी तैयार की हुई टीम होती है उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, उस टीम में आपकी पकड़ होती है, उस टीम से आपकी रोज़ बात होती है दोस्तों। और मैं मान लेता हूँ आपने किसी ने आपको पावर दे भी दी, ठीक, तो उस टीम में दोस्तों आपकी पकड़ नहीं होगी। हो सकता है वो आपके बंदो जानते भी ना हो, ठीक है, और जानेंगे कैसे आपको सीधे पावर लैग मिली है। ठीक, तो हो सकता है 1000 लोगों की टीम देख रही हो, मुश्किल में 10 लोग एक्टिव हों दोस्तों। ठीक, तो आप ऐसी कंपनी में मैं कहता हूँ आप कभी ना जाएं जिसमें पावर लैग मिल रही है। दूसरी चीज़ है दोस्तों स्पॉन्सरिंग चेंज करना, जो कि सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों। ठीक, इसी को बोलते हैं दोस्तों आईडी ट्रांसफ़र करना। कुछ कंपनियाँ कर रही हैं छोटे लालच के चक्कर में दोस्तों कि आईडी ही चेंज कर रही, किसी का अपलाइन उसका डाउनलाइन बन जा रहा है और डाउनलाइन अपलाइन बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है, पता नहीं स्पॉन्सरिंग चेंज करके आपको किस टीम में दोस्तों लगा दिया, और आप ही बताइए अगर स्पॉन्सरिंग चेंज होगी, टीम शिफ्टिंग होगी, आईडी ट्रांसफ़र होगी तो आपका कैरियर कैसे बनेगा दोस्तों। तो ये वो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में हो रही है, कुछ कंपनियां कर रही हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों आईडी ब्लॉक करना, जो कि कुछ कंपनियां दोस्तों तुरंत कर देती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये लोग जो हैं कि इस कंपनी में कैरियर लगाए हुए हैं, अगर आईडी ब्लॉक कर देंगे तो उन्होंने जितना समय दिया है, जितना पैसा उनका इन्वेस्ट हुआ है, सब दोस्तों व्यर्थ जाएगा, और जिन्होंने उनकी टीम बनाई है। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ किसी बंदे की टीम 1000 लोगों की है, अगर वो कंपनी उसकी आईडी ब्लॉक कर देती है, ठीक है, और 1000 लोग देख रहे कि कंपनी ने उन लीडरों की आईडी ब्लॉक कर दी है, ठीक, तो वो दोस्तों 1000 लोग भी दोस्तों डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अधिकतम टीम उससे काम करना बंद कर देती है दोस्तों। ठीक, हाँ मैं मान लेता हूँ कि अगर वो बंदा किसी दूसरी कंपनी का प्रमोशन कर रहा है तब तो आप उसकी आईडी ब्लॉक कर दो। अगर आपसी मतभेद होने के कारण आप आईडी ब्लॉक कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों ये टीम वर्क है, ये लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों की आपस में पटेगी और कुछ लोगों की आपस में नहीं दोस्तों बनेगी, तो उस कंडीशन में दोस्तों आईडी ब्लॉक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये थे तीन सबसे खराब पॉइंट जो कि कुछ कंपनियां दोस्तों कर रही हैं। ठीक, और अगर आप ऐसी कंपनी में दोस्तों के जिसमें ये तीन गलतियां हो रही हैं तो दोस्तों आप उस कंपनी को आज ही छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है आज आपको लगता हो कि मेरा पे आउट अच्छा है, मेरा कैरियर ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है आपकी टीम टूट के चली जाए,
या कहीं और कहीं शिफ्ट हो जाए दोस्तों, ठीक, तो आप दोस्तों कहीं के ही नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये एक जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़िए, हो सकता है आपको पावर लैग ना मिले, थोड़ी समय लगे, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करिए दोस्तों, जेन्युइन कंपनी में आप काम करिए, क्योंकि अगर जेन्युइन कंपनी में काम करेंगे तो दोस्तों आपका वहाँ भविष्य सुरक्षित रहेगा दोस्तों, ठीक। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें, ताकि जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो इनके शिकार नहीं हुए हैं, वे होने से दोस्तों बच जाएं, और दोस्तों उनको समझ आए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों हमें इतना समय देने के लिए।